Welcome to Dust Fragrance YouTube channel, and we are in Pushkar Fort, and we have a Panch Kalyan mayor and owner name is Daksraj Singh. So Daksraj, आपका स्वागत है YouTube channel Dust Fragrance में. कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए. मैं भी अच्छा हूँ. और आज हम इनकी प्रॉपर्टी पे हैं. ये एक फोर्ट है और फोर्ट कम होटल, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है. और इनके पास बहुत ही सुंदर एनिमल्स हैं, बहुत ही सुंदर जानवर हैं, स्पेशली हॉर्सेस, स्पेशली मेयर्स. बहुत ही सुंदर और अच्छी लाइन के जानवर इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं. सो ओके दक्षराज जी, आपसे बात करते हैं हम इस मेयर के बारे में. आप बताइए. इसका नाम है चैम. ओके चैम. चैम. ओके चैम. तो इस चैम की एज है 5 इयर्स से थोड़ी बहुत ऊपर है. ओके एंड हाइट इसकी अराउंड 60. और प्रॉपर पंच कल्याण है, मतलब चारों सॉक्स जो है एकदम बराबर है. ओके और ये कोमता वाली लाइन से बिलोंग करती है. कौन सी लाइन से? कोमता वाली लाइन. कोमता वाली लाइन. ओके कोमता जगह का नाम है उस लाइन से. मतलब मैं लाया था अननोन समझ के, बट मैंने अभी थोड़ा बहुत पता करवाया, देन ये निकल गई उस लाइन से. ओके हाँ, मैंने पिछले ओनर से बात करी, देन जिन्होंने उनका बताया उनसे बात करी, देन ही सेड कि हाँ ये घोड़ी कोमता वाली लाइन की है. ओके जब आप लाए थे तो आपको आपको अननोन अननोन मान के लाए थे इसको आप? आइडिया नहीं था, मैं बस घोड़ी की मतलब राइडिंग कैपेबिलिटी देखने आया था, बिकॉज राइडिंग में मतलब इसका जवाब नहीं. मार्किंग और आप इसकी राइडिंग कैपेबिलिटी देख के लेके आए थे इसकी. वेरी नाइस. स्टैमिना बहुत अच्छा है. ओके तो जब कितने कितनी हाउ ओल्ड इट वाज शी वाज? तब थी अराउंड 3.5. ओके 3.5 थी उस समय. मेरे पास 2 साल हो गए, तो 3.5 से तब थोड़ी बहुत कम थी, तो अभी 5.5 से थोड़ी बहुत कम हो गई. ओके 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 2 इयर्स पूरे नहीं हुए हैं. वेरी नाइस. कितने थान दे चुकी है अभी तक ये? थान पहला दे दी. ओके ये फर्स्ट थान है इसका? हाँ, इस मंथ दे देगी थान. इसी मंथ में इसका थान है, ड्यू डेट है इसकी. वेरी नाइस वेरी नाइस. तो आप जानते हैं इस बारे में, आप कोमता वाली लाइन की कहाँ से? कोमता वाली लाइन का जो फेमस स्टैलियन था वो था रमबक्श. ओके रमबक्श जो है मुक्सर चैंपियन है 2016 का. ओके तो ये करीब मतलब उसके एक दो ब्रदर्स में से है, ज्यादा नहीं थे कोमता वाली लाइन के घोड़े. कोमता वाली लाइन का कोई अलग स्टैलियन हुआ करता था, तो उसकी ग्रैंड डॉटर है जो कोमता वाली लाइन का जो अलग स्टैलियन था. कहाँ पे किस लोकेशन में था इसका कोई आइडिया नहीं मेरे को. वैसे कोमता एक जगह का नाम ही है. कोमता. ओके 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 वेरी नाइस. ये किस घोड़े से हम डिटेलिंग ले सकते हैं, किस घोड़े से सुधार है? स्टैलियन है 10 सम्राट. ओके जो कि डायरेक्टली साइड बाय काला कांटा. ओके काला कांटा का सब जानते हैं. और जो डैम है, डैम उसकी जो ओनर है गौर सिंह जी पीपाड़ा, उनके पास एक घोड़ी हुआ करती थी जो डायरेक्टली तूफान की बच्ची थी. ओके तूफान की डॉटर. सो वो क्वालिटी भी दिखती है उसके अंदर. काले कांटे का सन है और तूफान का वो हो गया ग्रैंड सन जो की नानी वाली साइड से. ओके ओके वेरी नाइस. So, अभी ये सम्राट सिसुबर है. हाँ जी. और फुल ब्लेज है और 3 पैर सफेद है उसके. ओके हाँ, ब्लेज एकदम एग्जैक्ट जो कि आलिशान में था, सेम की होल ब्लेज. हाँ बड़ा ही अच्छा घोड़ा है. और हाइट जो है उसकी अराउंड 65 है, तो टॉलेस्ट भी है राजस्थान में.
So who is the owner of Samrat nowadays? Bhavar Singh Pipada. गांव का नाम है पीपाड़ा. ओके. जो कि रणसी गांव से बहुत पास में है, 10 किलोमीटर जी. ओके, जोधपुर में लोकेटेड है. हाँ जी. ओके ओके, वेरी नाइस. सो ये आपने 2 साल पहले बाइक की थी, राइट? हाँ. वेरी नाइस. दिस इज मेयर ना, ये एक घोड़ी है ना. ओके ओके, सो बताएं इस घोड़ी के बारे में. इसका नाम माया है. और इसको मैं चैंप से भी पहले लाया था, तो सबसे पहली घोड़ी मतलब ये मेरी यही है. हाँ, तो ये माया है एंड इसकी एज करीबन 4.5 है. ये चैंप से छोटी है थोड़ी एज में. और ये लाइन है फूलमान लाइन से. ओके. और इसका भी सेम सीन है, अननोन थी, मेरे को मालूम था नहीं. बट उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा चेता कि हाँ कि लाइन का टाइम चल रहा है, तो एक बार पता करने में क्या जा रहा है, मैंने फोन लगाया जो कि इसके ओनर है अनिल जी. कोई कंफर्म करना चाहे कर सकता है. फुल नेम ऑफ अनिल जी? अनिल जी चौधरी. एंड झुंझुनू के हैं वो, एग्जैक्ट गाँव मेरे को ध्यान नहीं, मैंने तो एयर से ली थी. ओके. तो अगर क्योंकि कई को डाउट हो जाता है कि बोले आप पहले अननोन बोलते थे, पिछले वीडियोस में आपने अननोन बोला, अभी लाइन की कैसे बना दी, लाइन कैसे बना दी. मैंने कंफर्म विद प्रूफ पता करा है, जो कि जयसिंह जी चीचरोली उनके पास घोड़ा हुआ करता था. फूलमाल अभी भी है तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है. पंच कल्याण घोड़ा 62 का घोड़ा है वो. उसकी ये बच्ची है 62 हाइट. हाँ. ओके. इसकी भी हाइट, इसकी हाइट तो खैर ज्यादा है 62 से. ये 62.5 से भी थोड़ी ऊपर है. ओके. वो तो 62.5 तो थोड़े टाइम पहले की बात है, अभी फुल टीथ जस्ट अभी करे हैं. ओके. तो अब मेरे को नहीं पता क्या पता. 4 दांत पूरे कर लिए हैं घोड़ी ने. 6 दांत हो गए. 6 दांत. ओके ओके, 6 दांत पूरे कर लिए. ओके. 6 दांत का 6 दांत हो जाते हैं. ओके. हां, तो 4.5 ये क्रॉस कर गई है. बहुत ही सुंदर शाइनिंग और बहुत ही अच्छी केयर आप लोगों ने की हुई है इसकी. इस बॉडी की भी खासियत है, आई थी ब्लैक थी, चेस्टनट हो गई, अब लिवर चेस्टनट हो गई. अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे डार्क भी होती जा रही है. सो दक्षराज जी, व्हाट इज योर एज? मेरी एज है 15.5. ओके. यस. ओके, वेरी नाइस. सो इतने कम उम्र में आपका ये शौक कैसे आप मेंटेन करते हो? शौक तो ऐसे लगा कि एज ए गिफ्ट पापा से लिया आपने? हाँ, एज ए गिफ्ट. ओके. ये और चैंप एज ए गिफ्ट मिली. कितने अभी जानवर हैं आपके पास? अभी हो गए हैं 5 एंड 1 कमिंग दिस मंथ, और ये जो है ये 3 महीने बाद में बच्चा देगी. ओके. तो मतलब 3 से चालू करा था, बढ़ते ही जा रहे हैं. हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप बहुत अच्छे से केयर करते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं अगर इस जानवर का, तो ये बहुत ज्यादा दुआएं देता है आपको. आई बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं